अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कोरोना वॉरियर्स की सराहना की। प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश में कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए किसानों को दी बधाई। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार, संक्रमण की दर भी घटी। और चक्रवाती तूफान यास का असर हुआ कम, अगले 24 घंटों में हल्की वर्षा का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान और देवी आपदाओं के बीच कोरोना पर नियंत्रण के लिए कोरोना वॉरियर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। मन की बात के 77वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तूफान, अम्फन, ताऊते और यास से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस सब के बीच कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम करके एक मिसाल पेश की है। इस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड 19 के खिलाफ लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी पैंडेमिक के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान साइक्लोन अम्फान आया, साइक्लोन निसर्ग आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, छोटे बड़े अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए। अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। प्रधानमंत्री ने देवी आपदाओं के बीच कृषि क्षेत्र द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन की चर्चा करते हुए कहा कि इसी बीच सरसों और खरीफ की अन्य फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और सरसों की बिक्री MSP से अधिक दर पर हुई। उन्होंने मुजफ्फरपुर की शाही लीची का खास तौर से जिक्र किया और कहा कि एक स्थान पर उत्पाद होने वाले फल देश के एक स्थान से दूसरे छोर तक जाने के साथ साथ विदेशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को GI टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो, किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जल जीवन मिशन की चर्चा करते हुए कहा कि हर घर तक नल का जल पहुंचाने में जितनी प्रगति पिछले 7 सालों में हुई है उतनी पिछले 70 वर्षों में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 21 महीनों में 4.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचा। आजादी के बाद 7 दशकों में हमारे देश के केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 21 महीनों में ही 4.5 करोड़ घरों को साफ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 15 महीने तो कोरोना काल के ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को पटना में भी लोगों ने सुना। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुना और प्रधानमंत्री द्वारा बिहार का जिक्र किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। अपने जिम्मेदारी का भी बहुत, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हम हमारे कोरोना वॉरियर्स की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में बहुत बिहार में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है, साथ ही इस रोग से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1491 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 48 लोगों की मृत्यु कोरोना से हो गई, जबकि 5168 लोग स्वस्थ हुए।
राजधानी पटना में इस रोग के 196 नए मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण तेजी से चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 43,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इनमें से 35,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि 7,785 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। कोरोना संक्रमण के इस दौर में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की भूमिका सबसे अधिक है। न सिर्फ कोरोना मरीजों बल्कि पहले से अन्य गंभीर रोगों के शिकार मरीजों का इलाज इन्हें करना पड़ता है। अपने कर्तव्य के पालन के दौरान अनेक डॉक्टरों की मौत भी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद ये कोरोना योद्धा अपने कर्तव्य में जुटे हुए हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। कोरोना की इस लहर में देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। IMA के अनुसार देश भर में 300 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ लगभग 80 डॉक्टर कर्तव्य की बलिवेदी पर चढ़ गए। पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। बिहार को इस दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है वो है पद्मश्री डॉक्टर KK अग्रवाल और देश के प्रख्यात चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार। IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह कहते हैं कि इसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं और इसे हराएंगे। अच्छे से डॉक्टर का डेथ हो रहा है, बहुत से ऐसे डॉक्टर मुजफ्फरपुर में डॉक्टर KRP सिंह और बहुत लोग ऐसे डॉक्टर थे जो अपना सेवा बंद नहीं किया और उनका डेथ हो गया। तो इसके बावजूद भी हम डॉक्टरों ने कसम खाया है कि कोरोना को हराएंगे। कोरोना के अलावा भी गंभीर रोगों की OPD डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक्स और नर्सिंग होम पर चला रहे हैं। पटना के डॉक्टर विजय प्रकाश नियमित रूप से अपने क्लिनिक पर बैठते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीजों को देखते हैं। हम लोगों ने तब से अपनी एक रेगुलर OPD शुरू कर दी है। जो भी मरीज आते हैं उनको हम लोग सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से स्क्रीनिंग करके यदि कोरोना का शक हो तो कोरोना सेंटर में भेज देते हैं जहां इसकी समुचित जांच हो सके, और यदि अन्य बीमारियां हैं तो उनका हम लोग संपूर्ण रूप से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सहजानंद कहते हैं कि परेशानी तब होती है जब मरीज जानते हुए भी अपने कोरोना के लक्षण छुपाकर दूसरे रोगों का इलाज कराने आते हैं। इससे डॉक्टरों पर जोखिम बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान डॉक्टर को हुआ कि जो लोग इलाज कराने आए वो अपने को नहीं कहते, वो जानते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं और बिना डिक्लेयर किए डॉक्टर के यहाँ आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि डॉक्टर हमको देखे। इसके बावजूद भी विथ ऑल प्रिकॉशन डॉक्टर उनको देखता है और देखने के बाद थोड़ा कॉन्टैक्ट तो हो ही जाता है और इसमें डॉक्टर सफर कर जाते हैं। पटना के अन्य प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अजीत प्रधान और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी भी पूरी तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर तेजस्वी कहते हैं कि लगातार कोरोना के मरीजों के बीच से डॉक्टरों पर जोखिम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वे लगातार मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। बहुत चुनौती सारे वर्गों को है समाज के, और इसमें विशेषकर डॉक्टरों को है, क्योंकि हमेशा एक्सपोज रहते हैं बहुत विभिन्न तरह के कोरोना के रोगियों से और अन्य तरह के रोगियों से। तो इसमें डॉक्टर का रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत बार ICU के अंदर में 8-8 घंटे तक लगातार PPE किट में गर्मी में रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित रूप से डॉक्टरों का रोल अभी बहुत चुनौतीपूर्ण है और स्ट्रेसफुल भी है। कोरोना के मामले अचानक बढ़ जाने से अस्पतालों में भीड़ आई और इससे राज्य सरकार के स्वास्थ्य ढांचे पर असर पड़ना स्वाभाविक था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की, जिनका कहना है कि राज्य में अब चिकित्सा कर्मियों और स्टाफ की कमी नहीं होने दी जाएगी और संविदा के आधार पर पद भरे जा रहे हैं। नियमित तरीके से हमारे चिकित्सकों की नियुक्ति हो, इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग से विज्ञापन निकाला गया है, और इसके अतिरिक्त आयुष चिकित्सकों की भी नियमित बहाली हो तो उनके लिए भी 3270 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। सदर अस्पताल या प्रखंडों के जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों के अंदर जैसी भी मानव बल की जरूरत है
उनको संविदा पर रखने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में सिविल सर्जन और बाकी लोगों को अधिकृत किया गया है। राज्य में सरकार, स्वयंसेवी संगठन और यहाँ तक कि लोगों के निजी प्रयासों से लोगों की मदद हो रही है और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से बाहर आ रहे हैं और स्वस्थ होने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीमारी से हमें जल्द निजात मिले, यही हम सबकी कामना है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD News बिहार पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD News बिहार को भी विजिट कर सकते हैं। प्रदेश में अब चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव कम होने लगा है। हालांकि राज्य और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने आज प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ अगले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की संभावना है। बिहार तथा ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार राज्य के आज और कल अनेक भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में एक दो जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राज्य सरकार ने प्रदेश में 70 निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में इथेनॉल उत्पादन के साथ ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी को देखते हुए विभाग युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के 16 वार्डों में भोजन वितरण सहित सैनिटाइजेशन का किया जा रहा है काम। कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के श्रीकोल गांव में एक गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दरभंगा में पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण DMCH परिसर में जल जमाव से डॉक्टरों और मरीजों को हो रही है परेशानी। खगड़िया में चक्रवात तूफान के कारण हुई तेज वर्षा से मकई, आम, केला सहित पान की फसल को काफी क्षति हुई। औरंगाबाद में एक संस्था की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। सदर अस्पताल में रक्त आपूर्ति से लोगों को मिली राहत। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले दिनों NH-77 के निर्माण कार्य में लगी कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अररिया में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ड्रोन से किया जा रहा है दवा का छिड़काव। शेखपुरा में लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन लगभग 800 निर्धन और असहाय लोगों को कराया जा रहा है भोजन। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी आपदाओं के बावजूद अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए कोरोना वॉरियर्स की सराहना की। प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश में कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि के लिए किसानों को दी बधाई। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार, संक्रमण की दर भी घटी। और चक्रवाती तूफान यास का असर हुआ कम, अगले 24 घंटों में हल्की वर्षा का अनुमान। दर्शकों, कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। इस तरह से उर्दू में बुलेटिन अब से कुछ ही देर बाद।